हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो अब हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिलेड सनसेट। अब इसको हमने डिलेड क्यों बोला? सनसेट आपको पता है सनसेट का मतलब क्या है, कि डूबता हुआ सूरज। ठीक है, तो डिलेड हमने इसको क्यों कहा उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो भी हमने लिख रखी है। द सन कैन बी सीन अबाउट फ्यू मिनट्स After the actual sunset, thus the duration of daytime will increase by 2 minutes. ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2 मिनट इंक्रीज इन्होंने क्यों बोला। ठीक, आपको पता है लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है एडवांस सनसेट, तो सिमिलर है ये भी। अर्थ है, सन है, ये भी सन है और ये है हमारा होरिजन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि आप बीच पे खड़े होते हैं तो आपको जमीन जो वाटर रहता है और आकाश, आपको लगता है कि दोनों मिल रहे हैं वहां पर। तो आप जहाँ जब वहां पर सनसेट या सनराइज देखते हैं तो आपको लगता है कि पानी के पीछे से ही वो निकलकर ऊपर जा रहा है या ऊपर से निकलकर पानी के अंदर जा रहा है, ऐसा फील होता है वहां खड़े होके। लेकिन वो मिथ्या है, एक्चुअल वो चीज नहीं है जो हम देख रहे हैं, वो रियल नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो अब ये है हमारी होरिजन। ठीक, तो हमारा जब सनसेट हो रहा है, ओके, तो इसमें क्या है कि जो सनसेट है, जो हमारा सनसेट है, जैसे कि मान लीजिए कोई, जैसे कि आप यहां पर खड़े हुए हैं। ठीक, अब आपको जो सन दिखाई दे रहा है, एक्चुअल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि भैया हमारा जो सन है वो यहाँ पर है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग सन यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में जो सन है, एक्चुअल में जो सन है वो यहाँ पर है। ये इसकी रियल पोजीशन है। जो सनसेट है, ठीक है, सनसेट हमको दिखता रहता है, कब तक हमारा जो सनसेट है वो चला गया, नीचे चला गया, हॉरिजन के नीचे चला गया। जो हमारा सन है वो हॉरिजन के नीचे चला गया, सनसेट हो चुका है, लेकिन हमको फिर भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो लाइट है और जो रिफ्लेक्शन है जो मुड़कर हमारी आंखों में आ रही है, किसकी? सन की लाइट। उसकी वजह से हमको, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि 2 मिनट का अंतर इन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, सनराइज और सनसेट दोनों के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस रहता है। सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले हमको सनराइज दिखने लगता है, और सनसेट होता है, सनसेट हो चुका है लेकिन 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले से भी, 2 मिनट सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट हमको दिखाई देता है। क्या? सनसेट। ये सनसेट हो चुका है, मतलब पहली पोजीशन ये है कि ये नीचे चला गया, दूसरी पोजीशन ये है कि ये वो सनसेट हो चुका है, अभी दिख रहा है, दिख रहा है रिफ्रैक्शन लाइट पहुंच, तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर वहां से लाइट, यहां अभी सनसेट नहीं हुआ है। ठीक, हमारी और एक्चुअल सनसेट होने में 2 मिनट का अंतर रहता है। एक्चुअल में सनसेट हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए कि 5:30 पे सनसेट होना है और सनसेट हो चुका है, लेकिन हमको ये दिखाई दे रहा है 5:32 तक भी हमको दिखाई दे रहा है। हमारा जो सनसेट है, जो हम देख रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, वो 2 मिनट बाद हुआ है और एक्चुअल में 5:30 पे हो चुका है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि ये अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिलेड, डिलेड सनसेट। इसलिए बोला गया कि सनसेट हो गया लेकिन हमको अभी भी दिखाई दे रहा है, इसलिए बोला कि इंक्रीज करता है 2 मिनट। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन होता है, 2 दिन होता है, ये होता चला आ रहा है कई सालों से, कई हजार करोड़ सालों से यही प्रोसेस होता चला आ रहा है कि हमारे जो 4 मिनट हैं, जो सनसेट में और सनराइज में जो 2-2 मिनट ये इंक्रीज करता है ना, ये 4 मिनट हमको एक्स्ट्रा दिखाई देता है सनराइज होने पर और सनसेट होने पर। सनराइज होने पर 2 मिनट और सनसेट होने पर 2 मिनट, तो ये 4 मिनट
हमको एक्स्ट्रा दिखाई देता है क्या, सन, लेकिन एक्चुअल इमेज वो नहीं है, ये इसकी रियल है, ये इसकी रियल है और ये अपेरेंट है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये है इसकी रियल पोजीशन, ठीक है। तो फिर हाँ ठीक है, ठीक है, इसको टू बोलते हैं और इसको वन बोलते हैं, ये है रियल पोजीशन इसकी और ये है अपेरेंट, क्योंकि हमको अपेरेंट ही दिखाई दे रही है, हमारा जो जिंदगी है वो अपेरेंट पे ही चलती है, हर चीज में अपेरेंट दिखाई देता है हमको। तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब सनसेट, जैसे कि हमने सनसेट की बात की तो मैंने आपको बता दिया कि वो 2 मिनट पहले ही सनसेट हो चुका होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी लाइट रह जाती है, उसके कारण हमें दिखता है कि वो अभी सनसेट नहीं हुआ है, तो 2 मिनट्स बाद हमको लगता है कि ओके अब सनसेट हो चुका है, बट वो 2 मिनट पहले हो चुका होता है, ठीक है। एक चीज मैं बता देती हूँ आपको, मुझे सनराइज में बताना चाहिए थी ये चीज आपको, लेकिन मैंने नहीं बताई, मैं भूल चुकी थी उस चीज को। लाइट में आपने एक चीज पढ़ी थी कि नॉर्मल जो होता है हमारा, नॉर्मल पे जब कोई लाइट डाली जाती है, ठीक है, तो उसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही रास्ते से होके निकल जाती हैं, ठीक है। तो दिन में 12 बजे एक ऐसा टाइम होता है कि जो सन होता है ना, वो काफी ऊंचाई पे होता है, तो उस टाइम में कैसी पोजीशन होती है कि वो हमको रियल इमेज दिखाई देती है, उस समय अपेरेंट और रियल एक होती है, वो एक्चुअल में हमको दिखाई देता है कि सन ये है, वो सन हमको दिखाई देता है, उस समय कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, उस समय वो एक्चुअल इमेज होती है, क्योंकि वो कहां होती है, वो कहां होती है, दोनों जो पोजीशन है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, जो दोनों पोजीशन है वो क्या करती है, कोइंसाइड कर जाती है, और इसकी वजह से वो हमको एक मतलब अपेरेंट पोजीशन नहीं होगा, सिर्फ रियल दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल है, नॉर्मल के ऊपर क्या कर रहे हैं वो लोग, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही रास्ते से जा रहे हैं, तो वो हमको एक ही जगह दिखाई देते हैं। तो 12 बजे का एक ऐसा टाइम होता है जहां की हम रियल इमेज देखते हैं, अपेरेंट इमेज नहीं देखते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको डिलेड सनसेट क्यों बोला, क्योंकि वो लेट तक हमको दिखाई देता है, इसलिए हमने उसको बोला डिलेड सनसेट, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।